नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे आपको पता होगा कि DUET का एग्जाम अभी आपकी नजदीक है, तो अपन कुछ OD के कॉन्सेप्ट हैं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट एज ए रिजल्ट आप याद कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके भी पूछ सकता है एग्जाम में। वो स्टेटमेंट है डिसरेशन टाइप में भी इस क्वेश्चन को दे सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, वही कुछ कॉन्सेप्चुअल टिप्स और ट्रिक्स अपन देखेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो कभी अपन आप तुक्का भी लगाते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक होता है या नो सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो सॉल्यूशन हो जाएंगे या तीन सॉल्यूशन हो जाएंगे, ऐसे ऑप्शन को बचना। या तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब कैसे होते हैं वो अपन चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे ताकि आपको जल्दी से चीजें समझ आ जाए। तो जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि लेट यू टी बी कंटिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज फॉर टी ग्रेटर देन जीरो सेटिस्फाइंग यू जीरो पे तो जीरो है और यू डेस्ट इक्वल टू थ्री इंटू यू टी टू द पावर 2/3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, आप इसको y में ले सकते हो, x में ले सकते हो। जैसे इसने यहाँ पे दे रखा है कि du by dt which is equals to 3 u to the power 2/3, ये अपन को दे रखा है। अब पूछा कि क्या सॉल्यूशन होगा, u t equal to 0, t cube ये 10। अब देखो 0 आप देखोगे, जैसे आप u की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 0 equal to 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल सॉल्यूशन। अब इसको अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से लगाएं, तो du अपॉन u to the power 2/3 या इक्वल मैं सोचता हूं कि 3 dt, और इसको अपन सॉल्व करते हैं और सी इसका अगर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई करने पे या इसको सॉल्व करने पे मेरे पास वैल्यू आती है यू टी इक्वल्स टू टी प्लस सी टू दी पावर 3। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी हायर मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अपने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया और सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी ले लिया अपन ने, तो अपने पास यू टी इक्वल टू टी प्लस सी आ गया। और साथ में गिवन कंडीशन है 0 पे 0, जैसे आप 0 पे 0 पुट करेंगे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे को जो यू टी का सोल्यूशन है वो क्या मिलता है, यू टी इक्वल्स टू टी क्यूब। ठीक है, तो यू टी टी क्यूब यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बट ये मल्टीपल सेलेक्ट आंसर है, यहाँ पे डी यू में ऐसा मल्टीपल सेलेक्ट नहीं आएगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी कि 0 पे सॉल्यूशन कैसे आया और यू टी इक्वल्स टू टी क्यूब सॉल्यूशन कैसे आया। आपको अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो मैं लास्ट में आपको एक सिंपल रिजल्ट दिखा दूंगा, तो उस रिजल्ट से क्या होगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप देखते ही सोल्व कर दोगे, एक सेकंड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट कॉन्सेप्ट ये है कि इस क्वेश्चन को वो स्टेटमेंट एंड असर्शन में कैसे पूछ सकता है, वो आपको क्या करेगा अभी, बाकी ये सी और डी ऑप्शन भी अपन डिस्कस करेंगे। एक सेकंड के लिए मैं आपको कुछ नई चीज बता देता हूँ। वो ऐसे कर सकता है कि लेट यू टू बी ए कंटिन्यूस डिफरेंशियल सॉल्यूशन नॉन टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज फॉर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा आपको लिख के दे देगा, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतना लिखा हुआ देगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे आपको ये तो दे देगा स्टेटमेंट में, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट लिख दिया, या इसको बोल सकता हूँ कि मैं इसने असर्शन लिख दिया, और नीचे वाला सेकंड ऑप्शन में लिखेगा रीजन, और रीजन में क्या लिख सकता है वो यू टी इक्वल्स टू जीरो, और इसको ये ऑप्शन को जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूँ तो वैसे भी लिख सकता ना, यू टी इक्वल्स टू जीरो फॉर जीरो लेस देन टी लेस देन आर कर सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे बोलेगा कि आर की वैल्यू, जैसे मान लो कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो जाएगी, तो यहाँ पे बोल सकता है टी माइनस आर टू दी पावर 3, और आर बिलोंग्स टू रियल नंबर आर प्लस पे कर दिया, आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऐसा लिख सकता है, पहला ऑप्शन तो बोल दिया आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और जो रीजन दिया है वो इसने ये दे दिया कि ये रीजन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपका आंसर क्या होगा कि द रीजन है जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सेकंड का, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं ट्रू है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए बताओ दोनों क्या हो गए, करेक्ट हो गए। क्यों, क्योंकि जब आर की वैल्यू आर प्लस पे, तो आर की वैल्यू आप एक बार एक पुट करो, आर इक्वल टू टू पुट करो, आर इक्वल टू थ्री पुट करो, ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब ये कैसे बन सकते हैं वो आप देख सकते हो, जैसे ये वाला सॉल्यूशन है कि यू टी इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन टी लेस देन वन, और टी ग्रेटर देन वन इक्वल टू टी माइनस वन, जैसे इसने यहाँ पे टी की वैल्यू थ्री आएगी है, थ्री लेगा तो टी माइनस थ्री, जैसे मैं यहाँ पे क्या लेता, जीरो लेस देन टी लेस देन आर लेता और टी ग्रेटर देन आर लेता, तो इस केस में क्या बन जाता है, टी माइनस आर की क्यूब बन जाती और यहाँ पे जीरो बन जाता। अब आप सोच के देखो कि यू जीरो पे जीरो है, तो जीरो वाले इक्वलिटी केस में इसका यू जीरो पे जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जैसे ही आप यू टी इक्वल टू टी माइनस वन का क्यूब है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यू डेस टी करते हैं, तो ये भी सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसके चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या करती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन करती है, और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, वो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है कि आप क्या लिख सकते हो, यू टी इक्वल्स टू जीरो जब जीरो लेस देन टी लेस देन आर है और टी की वैल्यू आर से बड़ी है, उस केस में इसको आप लिख सकते हैं टी माइनस आर की पावर क्यूब आ गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ रही है, पावर थ्री आ रही है, जैसे इसका सॉल्यूशन अपने यू टी इक्वल टू क्या निकाला, टी क्यूब निकाला, हो सकता है किसी में कुछ और पावर आ जाए तो उसको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो आर है
वो आर प्लस से आ रहा है, इसका मतलब आर के पास इनफाइनाइट चॉइस है। दिस इंप्लाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका स्टेटमेंट और असर्शन में इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट देगा हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ इस प्रकार से देगा। हालांकि इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है पर ऐसा क्वेश्चन तो डीयूटी में नहीं आएगा, पर थोड़ा मॉडिफिकेशन आ सकते हैं। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो यूटी भी एक कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग यू डेस्ट इक्वल टू 4 यू टी टी 3 बाई 4 एंड यू 0 इक्वल टू 0 4 नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टी। वही सेम कंडीशन है, यहां पे 0 पे 0 दे रखा है, यू टी इक्वल टू 0 टी टू दी पावर 4 0 लेस देन टी लेस देन 1 पे 0 और टी लेस देन 1 पे टी माइनस 1 की। जैसे यहां पे आर आता है तो अंदर आ जाता है, जैसे यहां पे 10 लिया है तो यहां पे 10 आ गया। तो आई होप आप इस बात को भी समझ गए होंगे इसके पास चारों के चारों इसके करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसे यू टी इक्वल टू 0 पुट करते हो तो 0 0 सेटिस्फाई कर देता है। और इसको अपन वही सिंपल वेरिएबल और सेपरेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जैसे यू डेस अपॉन यू टू दी पावर 3 बाई 4 इक्वल टू, अगर मैं 4 डी टी करता हूँ इसको सिंपली सॉल्व करूंगा तो ये यू टी इक्वल टू सॉल्यूशन निकल के आएगा टी प्लस सी टू दी पावर 4। पर जैसे ही 0 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यू टी इक्वल टू टी टू दी पावर 4 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो टी की पावर 4 सॉल्यूशन, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो वैसे सॉल्यूशन हो गए, 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और बाकी ये वाले सॉल्यूशन अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं कि 0 पे 0 दे देगा यहाँ पे इक्वल टू आएगा और ये टी ग्रेटर देन 1 पे इस प्रकार से और टी ग्रेटर देन 10 पे। तो चार ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से जो कंक्लूजन निकल के आता है, जिसको मैं क्रक्स बोल सकता हूं कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, वो ये रिजल्ट निकल के आता है कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू दी पावर अल्फा टाइप को डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ ए बी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू दी पावर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू ओपन 0 1, ओपन 0 1 है, कीप इन माइंड, ना तो 0 है और ना ही 1 है। एंड वाई बी इक्वल टू 0 बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे अपने पीछे वाले कैसे बी इक्वल क्या थी, 0 थी, तो वाई बी इक्वल टू 0 बी बिलोंग्स टू आर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये नेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये नेट और गेट दोनों में बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है बहुत बार, ज्यादा पूछा गया है। तो हो सकता है डीयूटी में कुछ मॉडिफिकेशन आए, कुछ थोड़ा इधर उधर का आए, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपने दो एग्जांपल देखे और आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को कीप इन माइंड कर सकते हैं कि भाई इसमें अपन क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू दी पावर अल्फा है, अल्फा अगर ओपन 0 1 में तो वाई बी इक्वल टू 0 बी बिलोंग्स टू आर होता है। इस केस में हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर्मेट कैसे होंगे, वो आपने देखा एक तो 0 पे 0 आ जाएगा और एक जो भी पावर होती है कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग उस टाइप से सॉल्यूशन आ जाता है। और बाकी अपन फॉर्मेट कर सकते हैं कि 0 0 लेस देन r लेस देन 1 और r ग्रेटर देन या सॉरी 0 लेस देन t लेस देन 1 और t ग्रेटर देन 1 या t ग्रेटर देन r लेंगे कोई भी नंबर, और उस प्रकार से अपन t माइनस r टू द पावर n जो भी अपन n होता है उस प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं। और r के पास आपको पता है कि पॉजिटिव रियल नंबर है, इनफाइनाइट चॉइस है, तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और कैसे अपन निकालते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर सिंपली सीधा पूछता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, टू सॉल्यूशन होंगे, थ्री सॉल्यूशन होंगे, तो इस प्रकार से तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं किसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। वैसे अगर आप सॉल्यूशन निकालते, सपोज दैट आपने सॉल्यूशन निकाला, तो आपके पास तो सीधा यू टी इक्वल्स टू क्या आया, टी टू दी पावर 4 ही आया, तो आप क्या बोलते हैं इसके पास तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा 0 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दो सॉल्यूशन तो ये हो गए और बाकी आप फॉर्मेट कर पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, पहला ऑप्शन देता है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज, तो आप कर देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर वो स्टेटमेंट और असर्शन टाइप में पूछता है तो इस पर क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना टेलीग्राम चैनल @exponentialmathematics2531 पे भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।